हाँ नमस्कार दोस्तों, लास्ट टाइम पे आपने बात करी थी E2 रिएक्शन की, अब आगे बात करेंगे E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। देखो इधर, एक आणविक विलोपन अभिक्रिया, एक आणविक विलोपन अभिक्रिया CH3 CCH3 L, यहां बेस, ठीक है, क्या बन गया CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैकेनिज्म CH3 CCH3 CH3 L, ठीक है ना, स्लो होगा, RDS होगा, यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन CH3 CCH3 CH3 प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ बेस अटैक कराओगे माइनस BH CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH, देख लो सही है बात। देखो इसकी कितने पद की अभिक्रिया है, दो पद की रिएक्शन, दो पद की रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात, रेट इक्वल टू के सबस्ट्रेट RX, ऑर्डर कोटी क्या होगी इसकी, 1, ठीक है। पुअर बेस, पुअर बेस मतलब ROH, E1 रिएक्शन की लिए उपयुक्त है, ठीक है। अगली बात, प्रोटिक सॉल्वेंट E1 रिएक्शन के लिए उपयुक्त है, ठीक है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, अतः रीअरेंजमेंट होगा, बोलो इतना बोल लिखो, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, यह रिएक्शन सेट जेफ उत्पाद देती है, हेडिंग डालो सेट जेफ प्रोडक्ट क्या होता है, द्विबंध के सापेक्ष, द्विबंध के सापेक्ष, द्विबंध के सापेक्ष अधिक
एल्किल ग्रुप, इतनी बात इसमें कंपलसरी आपको करनी ही पड़ेगी। फिर इस पर मैकेनिज्म, पहला कितने पद की रिएक्शन है, दो पद की है, रेट के सब्सट्रेट ऑर्डर क्या होगा, वन, पुअर बेस ईवन रिएक्शन के लिए उपयुक्त होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट उसमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ई टू के लिए और अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ऑर्डर इसमें क्या होगा, वन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा या रिएक्शन सेट जब उत्पाद देती है। इतनी बात हुई, बोलो ठीक है, मिटाएं। लिख लो इसको जल्दी जल्दी, लिखने वाली बात लिख लो, तब तक हम इधर क्वेश्चन दे रहे हैं। माना ये है, देखो CH3 CH2Br, इसका नाम है नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन हो रही है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, CH3 CH2 प्लस, कैसा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री, किस में जाएगा ये, 3 डिग्री में, CH3 CH2 CH3, बोलो। अब यहाँ माइनस एच प्लस, तो एक तो मौका ये हो सकता है CCH3 डबल बॉन्ड CHCH3, और एक ये हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 CH3, यही तो होगा, बोलो यही होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड के सापेक्ष क्या है, मोर एल्किल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, और इसमें देखो 1 2 ही है, तो यही क्या हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड के अक्रॉस जिसमें एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होगी, अधिक, वही क्या होगा, प्रोडक्ट। ये नीचे लिख लिया काम, इसलिए छोड़ा था कि आप लिख लो इसको आराम से। तो लास्ट में प्रोडक्ट वही बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस मोल एल्किल ग्रुप होंगे, अल्फा एच वाली बात। ठीक है, अब इसी पे एग्जांपल लेते हैं। इधर देखो, ठीक है, यहाँ क्या है, एल्कोहलिक KOH, ठीक, सही है, ये माइनस और ये प्लस, 5 रिंग किस में खुलेगी, 6 में, प्लस चार्ज, यहाँ क्या हो गया, माइनस एच प्लस, ठीक है, बोलो सही है, आगे आ जाओ। ठीक, 4 रिंग किस में खुलेगी, 5 में, यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस एच प्लस, हो गया आराम से।
एल्कोहलिक, सब में ई वन लिख देना। अभी तुम्हें मान लो कन्फ्यूजन में क्या करा रहे हैं, ई वन यहाँ लिख दिया ई वन, ठीक है ना, ई वन दिया हो तब आपको ई वन ही करानी है। इसको लिखो तब तक, इधर देखो ये है यहाँ सी एस टू बी आर एल्कोहलिक KOH। देखो बी आर यहाँ से बगल में वाले कार्बन के पास H है ही नहीं H, तो वहाँ से एच बी आर आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखना इधर ऐसे लिखा डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस, ठीक है, प्लस बेस डाला क्या निकल गया बी एच, इधर से तो एच है नहीं, कहां से निकलेगा यहां से, बोलो सही है। आगे देखो ये है बी आर, यहाँ क्या है एल्कोहलिक KOH इवन, ठीक है, देखो प्लस चार्ज, पांच रिंग किस में खुलेगी, छह में, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कैसा कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, किस में जाएगा ये 3 डिग्री में, माइनस एच प्लस जी। कोई बच्चा कहे कि सर हम ऐसे निकाल लें, तो निकाल लो सही है, लेकिन ये हमारा देखो इसमें दो दो चार अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तीन दो पाँच दो सात, ये हमारा क्या है मेन प्रोडक्ट जिसमें अल्फा एच की संख्या अधिक हो, देख लो सिस्टमेटिक काम चल रहा है भाई। बी आर निकाला, प्लस चार्ज बनाया, पांच रिंग किस में खुलेगी, छह में, ऐसे कार्बोकैटायन। एक इसी टाइप का सेम क्वेश्चन चार रिंग किस में खुलेगी, माइनस और ये प्लस, 2 डिग्री, माइनस एच प्लस दोनों बना दे रहे हैं, मेन देखना कौन सा होगा, ये है तीन दो पाँच दो सात अल्फा एच सात, ये क्या है आपका मेन प्रोडक्ट। देख रहे हो मिटा दें,
रिंग डालो, इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, यही बता दे रहे हम थोड़ा सा। विलोपन वर्सेस प्रतिस्थापन, मतलब कब विलोपन होगा और कब प्रतिस्थापन, उसकी एक झलक यहां पे बात करेंगे, एक झलक में इसे चलता रहेगा ये काम। देखो ठीक है, C2H5OH, हीट ठीक है, ROH हैलोजन दे रखा, यहां से निकाला Cl और ये क्या बना दिया प्लस। अब देखना है यार, इसमें हीट नहीं दे रखा है, इसमें हीट दे रखा है, मतलब कहने का ये है जिसमें हीट नहीं होगी उसका तो क्या बनेगा प्रतिस्थापन, और जिसमें हीट होगी उसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा विलोपन। ठीक है, तो यहां देखो इसमें भी सेम वही बन गया, आगे 2 डिग्री से क्या हो जाएगा 3 डिग्री में जाएगा, यहां प्लस चार्ज हो जाएगा, अब C2H5O- अटैक होगा और ये क्या हो जाएगा OC2H5। माइनस C2H5OH यहाँ क्या बन गया, एल्कीन, क्या बन गया एल्कीन। देख रहे हो, ध्यान से सुन लो, जिसमें हीट नहीं है उसका क्या हुआ प्रतिस्थापन, जिसमें हीट है उसका क्या हुआ विलोपन। बोलो बेटा, वेरी गुड, इधर आ जाओ, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये तो कर लिया, हीट नहीं दे रखा है, देखो C2H5OH इसमें हीट दे रखा है, शुरू करें कहानी। चलो बेटा इधर आ जाओ, यहां है ये, यहाँ क्या हो गया प्लस चार्ज, 2 डिग्री है, किस पे जाएगा 3 डिग्री में, अब क्या अटैच होगा C2H5O- बोलो, यहाँ आ जाओ, प्लस एल्कीन बन गया, देख लो अगला, देख रहे हो इसमें नहीं दिया था हीट तो प्रतिस्थापन हो गया, इसमें हीट दे रखा था विलोपन हो गया। अगला फिर क्वेश्चन एक, CH3 CCH3, तब तक उधर लिख लो CH Cl CH3, ये तो है क्वेश्चन, आगे ये दे रखा है उसको मिटा दे, इसको मिटा दें, फिर वही क्वेश्चन दे रखा, देखो C2H5OH
C2H5OH और यहाँ C2H5OH हीट। चलो बात शुरू करते हैं, CH3, CCH3, CH3, CH+, CH3। कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री किस में जाएगा, ये 3 डिग्री C+, CH3, CH। अब C2H5O- अटैच, बोलो इसमें देखो CH+, CH3, 2 डिग्री है किसमें जाएगा, 3 डिग्री में CH3, C+, CH3। देख रहे हो, अब यहाँ H+ निकाला हमने, यहाँ से भी निकल सकता है यहाँ से भी, लेकिन इसमें क्या बनेगा, सेट्स अ प्रोडक्ट। यहाँ अगर जो ऐसे निकाल देते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CCH3। यहाँ एल्किल ग्रुप की संख्या कितनी हो रही है, 2 ही हो रही है, और यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, तो मेन आंसर कौन सा होगा, ये नहीं होगा, देख लो। तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में एक चीज तो अपने दिमाग में आई कि नॉर्मल ROH दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, और ROH के साथ हीट दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, बोलो। इसको जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया, करें बात, हेडिंग डालो E1CB, इसको मिटा दें पहले। E1CB, क्या लिखने जा रहे हैं, E1CB रिएक्शन, E1CB रिएक्शन। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन कंडीशन, शर्त क्या है इसमें, कैसे आप पता करोगे कौन सा होगा, सबस्ट्रेट जिस पर अटैक हो रहा है, सबस्ट्रेट के पास, सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन हो, सबस्ट्रेट के पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, और पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप मतलब OPH CNF
एटसेट्रा, पुअर लिविंग ग्रुप हो, ठीक है ना। बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, खींचने वाले समूह लगे हों और हाई टेम्परेचर, इतनी बात। सबस्ट्रेट के पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन, पुअर लिविंग ग्रुप हो। वैसे इवन सीबी मेडिकल में उतना वर्चस्व हो के नहीं, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल फेमस हैं तो वो अपने करेंगे। जितनी बात हम लिखे उतना तो पहले लिख लो। इलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो, कौन कौन से यहाँ लिखा हुआ है, बीटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हों, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, Cl2CHCF3 बेस और यहाँ हीट, क्या बनेगा देखना। Cl2C डबल बॉन्ड CF2, CH ठीक है ना, बेस गया, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लोगे Cl-CF-F-F, ये तो मामला बहुत फास्ट होगा, ये क्या होगा स्लो, ठीक है। ये इसको दिया, जैसे से देगा बैलेंसी खराब होगी, ये बाहर, सही है, बोलो। रेट इक्वल टू के आर एक्स बी माइनस आर एस का सब्सट्रेट लिख देते हैं, सब्सट्रेट बी माइनस, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा, तो इसी पे बात करेंगे। तीन चार हमें क्या निकालना है, एसिडिक हाइड्रोजन, आगे मिटा दें इसको, तीन चार एग्जाम्पल करते हैं फिर बात है। ये देखो पीएच पीएच, ये बात है, और यहां दे रखा है बेस, बेस दे रखा है और क्या है, हीट है, ठीक है। फिर वही बात कौन सी, देखो पीएच एस, हेलो पीएच एस डबल बॉन्ड हो, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, CH-CH2OPH, पीएच एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सी एच डबल बॉन्ड CH2,
ये देख लो, ठीक है, यहां डाल दिया बेस हीट, मिटा दें इसको, इसको अलग मिटा दें, लिखना तो इधर सीधे लिख दे रहे हैं, देखो पी एच एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। इधर देखो, बोलो, यही है मुद्दा, देख रहे हो, एसिडिक हाइड्रोजन निकालो वहां से एफ गैस, ये देखो मिटा दें, अब ये वाला तो मिटा है, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो सी एस थ्री सी एस टू सी एच एफ सी एस थ्री एल्कोहली KOH। हमारे जो जहां तक इंटेंशन है कि इस ये क्वेश्चन आ सकते हैं PMT, इवन से भी अपने कर तो रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा इसीलिए हमने इसी क्वेश्चन के लिए ये सब माहौल बनाया है। ये पहले मिटा दें, क्योंकि एक बार ये 12-13 साल पहले आया क्वेश्चन है ये। देखो, हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन बेटा कहाँ मिलेगा, यहाँ है सी एस थ्री और यहाँ है सी एस थ्री सी एस टू, ये और ये में कौन अधिक एसिडिक होगा, प्लस आई जैसे बढ़ता है एसिडिटी क्या होती है, कम होती है बिल्कुल, तो कौन सा अधिक एसिडिक होगा, ये नहीं ये वाला एसिडिक होगा, तो यहाँ क्या हो गया सी एस थ्री सी एस टू सी एच एफ और यहाँ क्या हो गया सी एस टू माइनस, बेस वहाँ गया, यहाँ से एच निकाल लिया तो वहाँ क्या छोड़ दिया माइनस, भाई बेस गया यहाँ से बी एच निकाला क्या आ गया माइनस, अब ये माइनस इसको देगा आराम से बाहर, क्या हो गया सी एस थ्री सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, ठीक है ना। इस रिएक्शन में कैसा प्रोडक्ट बना है, हाफ मान उत्पाद बनेगा या बने बना है, हाफमान उत्पाद क्या होता है, हाफमान उत्पाद क्या होगा, द्विबंध के सापेक्ष लेस एल्किल ग्रुप, द्विबंध के सापेक्ष लेस एल्किल समूह, ठीक है, मिटा दें, अपमान उत्पाद क्या होगा, द्विबंध के सापेक्ष लेस एल्किल समूह, अब ऐसा मत अपने दिमाग में सेट कर लेना बेटा कि एफ आए तो हम डबल बॉन्ड लास्ट में लगाएंगे, इस चीज के लिए हम डिनाई करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया तो आदमी फंस जाएगा, ठीक है, क्या होगा देखना, इधर
सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, सी एच टू सी एच एफ सी एच थ्री, ये टेस्ट में दिया गया था, एच एफ बच्चों ने निकाला और डबल बॉन्ड लास्ट में कहा था सर आपने कहा था हाफ बॉन्ड प्रोडक्ट बनेगा, तो लास्ट में कर दिया, लेकिन ये देखो यहीं दे रखा होगा बेस या अल्कोहलिक वेज हीट है। तो हमें तो क्या देखना है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ का एसिडिक, यहाँ क्या है, जैसे H निकालोगे माइनस चार्ज किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, मोर एसिडिक हो गया, तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन अच्छा है, सी एच माइनस सी एच एफ सी एच थ्री, ये इसको दिया और ये बाहर क्या बन गया, बेंजीन सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ क्या हो गया सी एच थ्री, ठीक है। इसको देखो, मान लो ये दे दिया, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, एनओ टू ठीक है, क्या बना, देख रहे हो ना। तो मेन मुद्दा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, एफ वगैरह है तो एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। अब एक दिमाग में आता है कि सर एक मोटा मोटी बात बता दो, कब हाफमान होगा कब सेट्स अप होगा, तो उसके बारे में बात कर, पहले इसको दोनों को छापो, दोनों को छापो, लिख लिया, देखो इधर, देखो बात क्या है, बात यूं है, मान लो ऐसे दिया हो सी एच थ्री सी एच टू, ये है, और यहां दे रखा है एल्कोहलिक केएच, ठीक है ना, ये है देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एल थ्री, यहाँ दे रखा है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, क्या सी एच थ्री सी सी एच थ्री की तो हो गई एलिमिनेशन की बात है, तो और एक ये है, तीन एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। एल्कोहलिक केएच एचसीएल निकलेगा और यहां बनेगा सेट्स अप प्रोडक्ट, क्या बना सेट्स अप, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा सेट्स अप, यहां बेस है और बड़ा ग्रुप है तो बेस क्या होगा स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एच टू माइनस, ये इसको देगा ये बाहर क्या बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बना हाफ मान, यहाँ देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच एफ
CH2 माइनस ये और ये क्या बना CH3 बन गया। यहां भी कौन सा प्रोडक्ट बना हाफ मान। तो सुन लो हाफ मान कब बनेगा, हाफ मान और समय लगभग सेट जब बनेंगे अगर जो सबस्ट्रेट में F या उससे स्ट्रॉन्ग माइनस आई आ जाए तो क्या बनेगा हाफ मान, या जो रिएजेंट है वो क्या हो बल्की हो तो क्या बनेगा हाफ मान। ध्यान से दोबारा, अगर सबस्ट्रेट में माइनस आई F या उससे ऊपर का लगा हो तो क्या बनेगा हाफ मान, या रिएजेंट क्या हो बल्कि हो बड़ा ग्रुप हो तो क्या बनेगा हाफ मान। तो सेट्स ऑफ यहां हाफ मान और यहां हाफ मान, ठीक है, और जनरली सब में क्या बनेगा सेट्स ऑफ हाफ मान का ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये अपना मूल काम हो गया, कुछ थ्योरेटिकल बातें करनी है उसको लिखने जा रहे हैं, अब मिटा दें इसको। लिख रहे हो ना, लिख लिया ना पूरा, इधर आ जाओ, कुछ बातें लिख रहे हैं उसको देखो, DDT टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरल CCl3CHO कंसेंट्रेट H2SO4 क्या बनेगा DDT। ये अपने मॉड्यूल में पॉली हैलोजन है, वहीं पे आपको मॉड्यूल से पढ़नी है चीजें, लेकिन हम तब भी हम यहाँ बच्चे को रेगुलर में रहते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि पढ़ लेना बेटा, लेकिन फिर भी आप लोग दूर बैठे हो तो एक झलक इसकी बता रहे हैं, लेकिन आपको मॉड्यूल एक बार खोल के पढ़ना, ठीक है। कैसे होगा ये देखो, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन CH डबल बॉन्ड O CL H और H निकाल दिया H2O, देख लो इसमें कितने क्लोरोबेंजीन में कितने कितने सीएल हैं DDT में 5। इस किसमें यूज होता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इसका नाम है क्लोरल, लिख लो जल्दी। लिख लिया तो DDT इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड 1973 में इसको अमेरिका में बैन किया गया था, ये सब आप NCERT से पढ़ना आपको पॉली हैलोजन पूरी बात। अगला लिखो टीयर गैस, टीयर गैस CHCl3 प्लस HNO3 क्या बनेगा CCl3NO2, इसी को क्या कहते हैं क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस, क्या होगा CCl CL
सी एल एच ओ एच एन ओ टू एच टू ओ सी सी एल सी एल सी एल और यहाँ क्या हो गया एन ओ टू, ठीक है ना। आंसू गैस बोलते हैं इसको या क्लोरोपेक्टिन, आंसू गैस, आंसू गैस जानते हो क्या है, ठीक है ना। अगला क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन देखो सी एच सी एल थ्री एसीटोन के साथ रिएक्शन करी, क्या होगा देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एच प्लस सी सी एल थ्री माइनस माइनस और ये प्लस सी एच थ्री सी ओ एच, इसी को क्या कहते हैं क्लोरीटोन। कुछ रिएक्शन ये ध्यान रखिए, अपने उन्होंने बता रखा है लेकिन फिर भी एक और बता रहे हैं, ऊर्ज नाम से ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन आर एक्स को बच्चे से बड़े लेवल पे इसको बताया था हाइड्रोकार्बन में ड्राई इथर, नाम से ध्यान रखना है, देख रिएक्शन पूछ लेगा क्या है आर आर प्लस एन ए एक्स ऊर्ज फिटिक एक्स आर एक्स एन ए ड्राई ईथर क्या हो जाएगा आर प्लस एन ए एक्स फिटिक रिएक्शन X N A, ठीक है ना। इसको याद रखना बेटा, ये कोई क्वेश्चन ये रिएक्शन खुद ही देके वो आपसे नाम पूछ लेंगे कि कौन से रिएक्शन है N A X। उल्मान रिएक्शन U डबल L A M A डबल N उल्मान रिएक्शन I C U हीट, अब ये रिएक्शन देके नाम पूछा हुआ है एक एग्जाम में, जल्दी से नोट करो इसको। लिख लिया, मिटा दें, बात करते हैं फ्रेयॉन की नामकरण, फ्रियोन का नामकरण, इसको कहते हैं फ्रियोन, कोई भी दिया हो फ्रियोन सी बी ए, सी क्या है कार्बन की संख्या माइनस वन, बी क्या है हाइड्रोजन की संख्या प्लस वन, ये क्या है फ्लोरीन की संख्या, ठीक है। जैसे ये है फ्रेयॉन, तो एनसीईआरटी में उसको लिख दो सी एफ टू सी एल टू, तो पहले लिख दोगे फ्रेयॉन
लिख दिया। फ्रियॉन कार्बन कितने हैं इसमें, एक है, एक में से घटाओ क्या आ गया, जीरो। हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो, एक जोड़ दोगे वन। फ्लोरीन कितने हैं, टू। CHFCl, पहले तो लिख दोगे फ्रियॉन, लिख दिया। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, एक है, एक में से घटाओ क्या आ गया, जीरो। हाइड्रोजन कितने हैं, एक हैं, एक में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, वन। एक में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, टू। फ्लोरीन कितने हैं, वन। CH2CHCl2, देखो क्या लिखोगे, पहले फ्रियॉन लिख दिया। अब इसमें कार्बन कितने हैं, दो हैं, दो में से एक कम करोगे क्या आएगा, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, एक जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, तीन। फ्लोरीन कितने हैं, दो हैं, फ्रियॉन 1 3 2, फ्रियॉन 1 3 2। लिख लोगे, ये देखो C2F2Cl4, बोलो पहले क्या लिख दोगे, फ्रियॉन लिख दिया। अब कार्बन कितने हैं इसमें, दो हैं, एक कम करोगे क्या आएगा, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो, एक। फ्लोरीन कितने हैं, दो। फ्रियॉन 1 1 2, सही है। अब लिखो इसमें कुछ चीज़ें, स्टार बना के लिखो। यह मीथेन व इथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न है, यह मीथेन इथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न है, इसे CFC के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला पॉइंट, यह आसानी से द्रवित होने वाली गैस, आसानी से द्रवित, यह आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, यह ओजोन ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, नुकसानदायक है, इसका उपयोग प्रशीतक विलायक तथा प्रणोदक में करते हैं। प्रणोदक की बात सुन लो, ये एक सॉलिड फ्यूल होता है जो रॉकेट वगैरह में डाला जाता है, तो उसमें इग्निशन होता है और रॉकेट लॉन्च होती है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। और मेरा मानो तो आप मॉड्यूल उठाना, NCERT उठाना, पॉलीहैलोजन पूरी NCERT से मॉड्यूल से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला काम, DET हो गई, टीयर गैस हो गया, क्लोरो या मीथेन इथेन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न है, इसे CFC आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, ओजोन लेयर के लिए क्या होगा, हानिकारक है, प्रशीतक प्रणोदक तथा विलायक में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। मिटा दें तो अब इसके फ्रियॉन का नाम लिख ही लोगे, तो इतनी बातें इसमें करना। सुनो इधर, इसमें इसके नेक्स्ट क्लास में अपने इसका, हाँ, भौतिक गुण इसके मॉड्यूल से पढ़ना है, अभी हम ट्रिक लगवा देंगे कहाँ से पढ़ना है। चलो पहले इतना आप कर लोगे आराम से, पॉलीहैलोजन NCERT से मॉड्यूल में अपने पॉलीहैलोजन का एक ब्लॉक दे रखा है, तो पॉलीहैलोजन उसी से पढ़ना। वैसे हमने ज़्यादातर तक काम कर दिया है, उसके अलावा जो भी है थ्योरेटिकल वो पढ़ लेना आप।
ठीक है, कर लोगे इसको। इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में अपने एल्कोहल स्टार्ट करेंगे, ज़्यादातर काम उसमें हुआ है, लेकिन अपने एक सीक्वेंस बना के उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसको आराम से पोज कर करके पढ़ना।